हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर कार्ड, ट्रांसफार्मर डाटा इत्यादि के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है और यहाँ पर जो होती हैं सब सच होते हैं। हेलो दोस्तों, आपका बहुत सारा कमेंट है जो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलने के कारण मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो चलिए आज मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इनके भाई का थैंक्स है, इन्होंने कहा कि बहुत इम्प्रूवमेंट वीडियो है। और इसके बाद एक आया कि ये आप देख सकते हैं कि 24x7 सेवन वेव इन्वर्टर ड्राइव प्रॉब्लम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इन्होंने लिखा है कि सेम फॉल्ट में मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया है लेकिन फिर भी मेरा प्रॉब्लम सेम का सेम है, तो बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आया है 5 KVA मैंने 50 से 300 वोल्ट तक के ट्रांसफार्मर का डाटा और डिज़ाइन मैंने बताया था, तो उन्हीं ने कहा था कि आप 90 से 440 वोल्ट का इनपुट ट्यूटोरियल कोर पर आप डाटा बताएं, तो मैंने बताया है लेकिन मैं एक बार फिर एक अच्छे से एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर हो, साथ में किट हो और उसकी डिजाइनिंग हो, कौन कौन सी। मैं 2 तरह की किट पर आपको बताऊँगा, बहुत जल्दी मैं इस पर वीडियो लाऊँगा। उसके बाद एक भाई हैं यहाँ पर लिखते हैं कि माइक्रोटेक चेंज ओवर के मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने लिखा कि मैंने चेंज ओवर पर वीडियो बनाई है, मैंने काम किया है लेकिन बैटरी पर इन्वर्टर मेरा ओके है लेकिन चेंज ओवर अभी भी काम नहीं कर रहा, तो मैं बहुत जल्द फिर इन पर अपग्रेडेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अपग्रेड हो और आपको अच्छा लगे। इनका लिखा है कि सुपर भाई, इनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और उसके बाद अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब एज द रेट करके आ रहा है, बहुत सारे लंबे चौड़े नाम हैं तो मैं इनको पढ़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं महसूस करता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद लिखा है सर एक और वीडियो बनाए जो 100 वोल्टेज इम्प्रूव करती हो, तो मैं बहुत जल्दी ऐसा वीडियो बनाऊँगा जो आपको 100 से आपको काम करे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि सर मैंने 15 KVA का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए बनाने लिया है और उसके बाद 100 एम्पियर की रिले नहीं मिलती है, तो अगर आप 100 एम्पियर की रिले नहीं मिलती है तो आप उस पर ऐसा कर सकते हैं कि 2CO 60 एम्पियर का भी रिले लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप आसपास कहीं बड़े शहरों में या फिर दूसरे शहरों से भी आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि आज तो ऑनलाइन का भी समय हो गया है, आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, या फिर हमारे बहुत सारे मित्र हैं जैसे कि वो अब पार्ट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो जैसे और आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिल सकती है और हर पार्ट्स जो मिलेंगे उनसे वो ओरिजिनल मिलेगी, तो मैं तो कहूँगा कि अमेजोन से ना लेकर हमारे जैसे मित्र हैं जो इस पर मेन फोकस इन इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही हैं उनसे आप काम कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद तो उसके बाद है सर आप जो ट्रिक के बताते हैं यानी कि 125 और 260 ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, और टिक वाली जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं कि 125 और 260 की जो लीड पर रिले लगी हुई होती है और कैपेसिटी इत्यादि की रिले जो खटखट प्रॉब्लम करती है, तो खटखट प्रॉब्लम सब बहुत जगह से होती है और अब मैंने बताया, इन्होंने धन्यवाद दिया है, लेकिन खटखट की जो प्रॉब्लम है एक तरह से एक जगह से नहीं होती है, कभी कभी आप देख सकते हैं कि खटखट की प्रॉब्लम जो उस जगह से भी होती है, अगर आप मेन लीड निकाल दीजिएगा, कुछ मॉडल में ऐसा हुआ था कि मेन लीड निकाल देने पर ही अपने आप खटखट खटखट करने लगती हैं, और ये अधिकांश लोकल किट जैसे JKE की किट है या फिर लोकल जो मेड किट है माइक्रोटेक कॉपी किट है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने धन्यवाद दिया, थैंक यू। उसके बाद इन्होंने दिया है कि आई कैन यूज 1 KVA ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर 90 से 280 वोल्ट प्राइमरी वायरिंग वायर 20 नंबर एंड सेकेंडरी वायर 19 नंबर बबिन 2.5 इंच साइज, लोड कितना लेगा। इनका कहने का मतलब है लोड कितना लगा। तो दोस्तों लोड के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, मैं अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे वोल्टेज आपकी कम होगी वैसे वैसे आपकी एम्पियर जो लोड एम्पियर है ज़्यादा लेगी और वो आपको ट्रांसफार्मर के उसके हिसाब से लोड एम्पियर घटता और बढ़ता रहता है। जैसे कि मान के लिए 100 वोल्ट पर अगर आप किसी स्टेबलाइजर को चलाते हैं तो अगर उसी
स्टेबलाइजर को आप 200 वोल्ट पे चलाते हैं तो उसे दुगुना वोल्ट वाट दीजिएगा तो भी नहीं जलेगा। अगर 300 वोल्ट पे चलाते हैं तो उससे तिगुना भी दे दीजिएगा तो भी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वोल्टेज घटेगी वैसे वैसे आपका लोड है वो करंट ज़्यादा लेगा, तो करंट ज़्यादा लेगा तो आपके ट्रांसफार्मर लोड कम ही लेगी। उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे जो है आते हैं कमेंट में हैं, और उन मैं कुछ कमेंट को जो पढ़कर सुनाया। अब जैसे लिखा है कि 7x4 में 140 से 440 वोल्ट का डाटा हो तो बताएं, तो बहुत जल्द मैं इसके 7x4 में बताऊंगा, जबकि मैंने पहले बता भी चुका है। आप 7x4 यानी कि 5 KVA का आप डाटा देख लीजिएगा, उसमें 7x4 का ही डाटा मिलेगा आपको। और उसके बाद इन्होंने धन्यवाद दिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद लिखे हैं कि यहाँ 24x7 में ओवरलोड प्रॉब्लम है, और ओवरलोड के दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत जल्द ओवरलोड पर 2-3 वीडियो बनाऊंगा जो पूरी मस्त और कंप्लीटेड नॉलेज वाली हो। तो उसके बाद मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊँ। जैसे इन्होंने लिखा है एक और भाई साहब ने कि मैंने 140 से 500 वोल्ट के 5 KVA का डाटा बताया, इन्होंने कहा कि आपको कोर नंबर नहीं बताया सर, सॉरी मैं भूल गया होऊंगा, ये आपको 7 नंबर ही कोर में बनेगी, 140 है तो ये लगभग आपको 7 नंबर में ही कोर में बनेगी। उसके बाद यहाँ पर है माइक्रोटिक साइन वेव इन्वर्टर में मॉस्फेट कैसे बदलें, और यहाँ पर लिखे हैं कि SMD रेजिस्टेंस के वैल्यू क्या है और मीटर्स पर कैसे इसको कितना शो होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस कोई भी हो, SMD हो या नॉन SMD हो, या फिर 1 वाट 2 वाट 3 वाट हो या 5 वाट हो, जितनी वैल्यू होगी उतनी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू बताएगी। अब रह गई बात कि इसमें कितनी वैल्यू है, तो इसमें दोस्तों बहुत सारी वैल्यू की लगती है, लेकिन 39 किलो का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर 1-to-1 किट के बारे में पूछा गया है, इसमें लो बैटरी के लिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो मैं बहुत जल्द ही इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों थोड़ी सी माफ़ी मैं चाहूंगा कि मैं आपकी कमेंट बहुत कम देख पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे अपनी वर्कशॉप भी देखनी पड़ती है, प्लस यूट्यूब तो है ही, और यूट्यूब में मेरे लगभग कई चैनल हैं तो मैं उन पर भी देखता हूँ, और थोड़ी सी फैमिली में अभी बच्चे छोटे हैं तो इसके लिए मैं सॉरी, और मेरे लेकिन मैं आप पर हमेशा ध्यान देता रहता हूं, और मैं जो भी बताऊंगा, जो जितना जानता हूं जितना सीखता हूं और वही मैं बताऊंगा आपको। मेरे और भी चैनल है जिसमें आप मेरे पर्सनल राय, मेरे पर्सनल सोच क्या है, आप उनको भी देख सकते हैं और मैं आगे क्या करना चाहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपके कमेंट के अनुसार मैं बहुत जल्द ही बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।